रखो। एंड आप लोग बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि पायल रमादान आ गया है, कुछ रेसिपी शेयर करना। तो मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ ना, जितने भी सारे रेसिपी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बनने वाले रेसिपी है। एंड अगर आप थोड़ा मील प्लानिंग कर लेंगे ना, तो आप तुरंत ये सारे रेसिपी बना सकेंगे। क्योंकि यू नो मेनी ऑफ यू आर देयर, जो लोग ऑफिस पे जा रहे हैं, मेनी ऑफ यू आर न्यू मॉम लाइक मी। एंड हाँ, जो लोग मेरे रेगुलर के व्यूअर्स है, आप सबको तो पता ही है कि लास्ट ईयर ही मेरा बेटा हुआ है एंड हिज नेम इज सिद्दीक। तो आप लोग सब दुआएं देना सिद्दीक को। तो मैंने वो सोच के रेसिपी बनाया है कि रेसिपी जल्दी हो जाए। सपोज अगर आप लोग थोड़ा यू नो प्लानिंग कर लेंगे, मील प्लानिंग कर लेंगे, देन दिस रेसिपी इज आर रियली ईजी टू मेक। एंड चलिए अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको रेसिपी पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आएगा तो जरूर एक लाइक करना। बिफोर यू ऑल स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, अगेन मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी रमादान। तो आलू का चॉप के लिए यहाँ पे मैंने 3 आलू लिया है। एंड ये ना जैसे कि मैंने बॉईल करके रख दिया, तो पहले से इसको बॉईल करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ग्रीन चिली, दिस इज एज पर योर टेस्ट। फिर यहाँ पे है कोरिएंडर लीव्स। फिर यहाँ पे है थोड़ा मूंगफली यानी पीनट्स। फिर यहाँ पे है मैंने 4 फाइनली चॉप गार्लिक किया है। अभी चलिए एक तरीके का भाजा मसाला बनाते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ 2 सूखी हुई लाल मिर्च लेना है एंड उसके साथ ना मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा ऐड किया है। तो अभी आपको ड्राई रोस्ट करना है। फिर जब ठंडा हो जाए देन यू नो इसको कूट लीजिएगा। तो ये भाजा मसाला आप चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी आलू को ना इस तरीके से मैं ग्रेटर से ना थोड़ा कद्दूकस करती हूँ बॉईल के हुआ आलू को। इससे ना बहुत ही स्मूथ होता है। अगर आप चाहे ये सब पहले से करके रख सकते हैं। तो पैन पे मैंने थोड़ा ऑयल लिया है। अभी इसमें हम लोग मूंगफली को फ्राई करेंगे एंड मूंगफली फ्राई होने के बाद ना इसको निकाल लीजिएगा। फिर लेट्स वेट ताकि ये ठंडा हो जाए। सो इन द मीनवाइल फर्स्ट हम लोग ऑयल पे ऐड करेंगे अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जीरा। उसके बाद ना जो फाइनली चॉप गार्लिक था वो हम लोगों ने ऐड कर लिया है। मतलब कि आलू का चॉप में ना गार्लिक का एरोमा काफ़ी ज़्यादा आएगा। फिर ग्रीन चिली, दिस इज़ एज पर योर टेस्ट। अभी हम लोग आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद ना अच्छी तरीके से फ्राई कीजिए, भूनिए आलू को। एंड चलिए अभी जो मूँगफली है ना, मूँगफली को हम लोग थोड़ा कूट लेते हैं। लाइक फुल पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ा क्रश करना है। तो अभी मैंने इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो अभी हम लोग अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। एंड ये सब जैसे मैं बोल रही हूँ ना, पहले से ही करके रख सकते हैं आलू का जो ये पोर्शन है। एंड फिर अभी मैं इसमें जो हम लोगों ने मसाला भाजा मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे। अभी ये आपके ऊपर है आपको कितना एरोमा चाहिए। मैंने अराउंड 1 टीस्पून ऐड किया है। सपोज़ अगर आपको लगे कि और ज़्यादा भाजा मसाला ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर एंड में हम लोगों ने मूँगफली ऐड कर दिया है। एंड चलिए अभी बैटर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑफ बेसन लिया है। उसके साथ मैंने 1/4 कप ऑफ चावल का आटा लिया, इससे थोड़ा क्रिस्पी होगा। फिर हम लोग ऐड करेंगे हल्दी एंड रेड चिली पाउडर। दिस रेड चिली पाउडर इज़ एज पर योर टेस्ट। फिर ना थोड़ा अजवाइन लेंगे। अजवाइन को अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ अजवाइन थोड़ा हाथ से ना थोड़ा क्रश कर लीजिएगा। अभी ये है सौंफ, थोड़ा मैं सौंफ ऐड करती हूँ। बहुत ही अच्छा एरोमा आता है। सपोज इफ़ यू डोंट लाइक सौंफ सो नो नीड टू ऐड इट। फिर सॉल्ट एंड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये जो बैटर होगा ना आपको एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, थोड़ा थिक लगना है, ज़्यादा यू नो ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। तो आलू ठंडा हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग टिक्की बनाएंगे। अभी जैसे कि मैं बोल रही थी ना, ये जो है ना ये पोर्शन आप पहले से ऐसा टिक्की बना के रख सकते हैं। आप चाहे तो फ्रीज में रख सकते हैं, नहीं तो चाहे तो फ्रीजर में रख सकते हैं। एंड थोड़ा ऊपर में ना थोड़ा मैंने बेसन लगा दिया है। तो टिक्की इज रेडी। अभी चलिए ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो एक एक करके अभी ऑयल में छोड़ देते हैं। फ्लेम विल बी मीडियम फ्लेम, लाइक मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिएगा। धीरे धीरे होगा, सी थिक पेस्ट, लाइक क्या बोलो बैटर थिक होना चाहिए ताकि वो चिपके टिक्की में। एंड ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एंड उसके साथ मुझे लगा चलो मैं थोड़ा ग्रीन चिली को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो चलिए अभी प्लेट करते हैं। एंड इसके ऊपर में मुझे लगता है चाट मसाला काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड हाँ, इसके साथ
पुदीना का चटनी इज ए मस्ट। तो रेडी हो गया है हम लोगों का फर्स्ट रेसिपी। तो मटर चट बनाने के लिए पहले हम लोग मटर को उबाल लेंगे एंड मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है, पर प्रेशर कुकर में ना अगर आप बनाएगा तो जस्ट गिव वो एक सीटी, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा क्योंकि मटर ना बहुत जल्दी गल जाता है ऐसे ही। तो ठंडा होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, उसी मटर अच्छी तरीके से गल गया है एंड ये आपको चाहिए इमली का पान, लाइक इमली का चटनी जो चाट में मुझे लगता है इज़ एसेंशियल। तो ये मैंने घर में बनाया है एंड उसके साथ जो भाजा मसाला मैंने पहले शेयर किया था। तो अभी हम लोग इसमें मैंने थोड़ा दही ले लिया है एंड दही में मैंने थोड़ा सॉल्ट एंड थोड़ा शक्कर ऐड किया है। तो अच्छे तरीके से अभी हम लोग इसको फेंट लेंगे दही को। दिस इज़ अ वेरी इंस्टेंट रेसिपी एंड इट्स हेल्दी ऑल्सो। तो आप इसको दही मटर चाट बोल सकते हैं एंड इफ़ यू वांट ना आप इसमें बॉयल आलू भी कट करके दे सकते हैं। तो मैंने मटर ऐड कर दिया है, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे प्याज, फिर टमाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, ग्रीन चिली एंड मैंने थोड़ा कोरिएंडर लीव्स ऐड किया है। फिर हम लोगों ने जो भाजा मसाला बनाया था ना वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून ऐड किया है। सॉल्ट ऐड कीजिएगा तो थोड़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो इमली का चटनी बनाया था वो हम लोग इसमें अभी ऐड करेंगे। अगर आपके पास ना ग्रीन चिली चटनी है वो भी ऐड कीजिएगा। तो बस इमली का चटनी ऐड कर दिया एंड मैं जैसे बोल रही थी, फिर ऊपर में थोड़ा भाजा मसाला हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा धनिया पत्ता एंड चारों तरफ से लेट्स पुट सम पापड़ी इन इट। बस हम लोगों का चाट इज़ रेडी। एंड हाँ, ऊपर में अगर आप चाहे देन ऐड लिटिल बिट ऑफ सेब इन इट, तो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो चिकन पकोड़ा भी बहुत ही जल्दी बनने वाला रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन लिया है, थोड़ा फाइनली चॉप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एक प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली। दिस इज़ अगेन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कितना तीखा खाना चाहते हैं। उसके बाद मैं इसमें मैंने थोड़ा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड किया है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा नींबू जूस। फिर इसमें मैं एक स्पेशल भाजा मसाला ऐड करूँगी। ये भाजा मसाला मैंने ही बनाया है, मे बी आई विल राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। एंड सपोज़ अगर आपके पास ये मसाला नहीं है और आप नहीं बनाना चाहते हैं देन यू कैन ऐड यू नो मीट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जीरा धनिया ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा हल्दी पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें बेसन दिया है। बेसन हम लोग को बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, थोड़ा बेसन ऐड करेंगे। फिर ना हम लोग बहुत क्रिस्पी करने के लिए ना ऐड सम कॉर्नफ्लावर इन इट, लाइक इक्वल अमाउंट ऑफ बेसन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉर्नफ्लावर। फिर हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसमें ना बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है क्योंकि प्याज भी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता है ना। सो एक बहुत ही टाइट मिक्सचर होगा एंड डेफिनेटली अगर आप चाहे तो ये पहले से बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ये जितना मैरिनेटेड रहेगा ना उतना ही ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। एंड चलिए अभी चिकन पकौड़ा के साथ खाने के लिए एक स्पेशल सॉस बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज लिया है, आप कोई भी मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग मेयोनीज लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा टमेटो सॉस। इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। सपोज़ अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा ना ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मिक्स कर लेंगे तो द सॉस इज रेडी एंड चलिए अभी पकोड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो ये आपको मीडियम से लो फ्लेम में बनाना है एंड धीरे धीरे बनाइएगा बिकॉज हम लोग वी वांट इट टू बी क्रिस्पी। एंड बन गया बहुत ही जल्दी बनने वाला चिकन पकोड़ा, गार्निश इट विद सम कोरिएंडर लीव्स एंड ऊपर में इसमें ना आमचूर पाउडर ऐड कीजिए तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सॉस के साथ मैं और क्या बताऊँ।
तो चलिए एक ओपन करके देखते हैं। सी चिकन इज परफेक्टली कुक्ड, बहुत ही सॉफ्ट हुआ था चिकन। तो अभी एक सैलड बनाते हैं, दिस इज लाइक ए रशियन सैलड आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कैरेट पीस एंड कॉर्न स्टीम कर रही हूँ एंड नीचे में ना जो पानी है उसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया है। तो दिस विल बी मेरे स्टाइल का रशियन सैलड जिसमें यू नो वी हैव सम वेजेस, फिर यहाँ पे थोड़ा पास्ता भी है, ज़्यादा पास्ता नहीं होगा। एंड आपको चाहिए आलू, मैंने एक आलू बॉयल करके ना क्यूब साइज़ में कट कर लिया है। तो फर्स्ट हम लोग ना थोड़ा हेवी क्रीम लेंगे एंड हेवी क्रीम के साथ ना मैं मेयोनीज भी ऐड कर रही हूँ, लाइक इट विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेवी क्रीम एंड मेयोनीज, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना दिस इज़ लाइक रशियन सैलड। एंड ये ठंडा ही सर्व किया जाता है। फिर मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड अगर आप चाहें ना इसमें थोड़ा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अनियन पाउडर ऐड किया है, फिर मैं इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर क्रश कर लेंगे, लाइक अगर पाउडर है तो पाउडर ऐड कर दीजिएगा, तो थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। फिर अभी अच्छी तरीके से हम लोग इसको मिक्स करेंगे। ये तो पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं एंड ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे लगा ना इसमें थोड़ा मैं रेड चिली फ्लेक्स भी देती हूँ, यू नो थोड़ा एक सभी का कॉम्बिनेशन आएगा, बस देन जस्ट ऐड एवरीथिंग एंड मिक्स कर लीजिए। तो बन गया हम लोगों का सैलड एंड डेफिनेटली इफ़ यू वांट ना आप चिकन बॉयल करके ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा पार्सले ऐड किया है एंड यू कैन ऐड सम ड्राई फ्रूट्स आल्सो इन इट। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी हेल्दी सैलड। फिर मैंने थोड़ा वॉलनट ऐड किया था। सो ये सैलड के साथ ही ये वीडियो को एंड करते हैं। डेफिनेटली बताना आप सबको मेरा जल्दी बनने वाला रमजान के स्नैक्स कैसे लगे, पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड हाँ हैप्पी रमजान वंस अगेन।